कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ ये ज़िंदगी हर किसी को बहुत प्यारी होती है। हर कोई अपनी ये ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने तरीके से जीना चाहता है। मरना यहाँ कोई नहीं चाहता, सबको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। तो फिर आखिर क्यों भगवान का दिया हुआ ये खूबसूरत सी ज़िंदगी को छोड़कर लोग मौत को गले लगा लेते हैं? आखिर क्यों ज़िंदगी से इतना निराश और हताश हो जाते हैं कि जीने की सारी उम्मीदों को छोड़कर मौत को अपना लेते हैं? क्या वाकई में कोई वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि वो हमें सुसाइड और आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे? क्या कोई भी वजह इतना बड़ा हो सकता है कि ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदें ही हमसे छीन ले और मौत को गले लगाने पर हमें मजबूर कर दे? आदरणीय श्रोता नमस्कार, स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की एपिसोड में मैं अरुण गिरी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक और संवेदनशील कहानी के साथ। श्रोता, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ अपनी खुद की ही लिखी कहानी, बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक स्टोरी, आत्महत्या। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी। उम्र के हर एक पड़ाव के लोग आत्महत्या यानी कि खुद से ही मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर वजह क्या होती है? ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, भगवान का दिया हुआ ये खूबसूरत सी ज़िंदगी, न जाने कितने सारे रंग बिखरे पड़े हैं हर ओर, फिर इन सारे रंगों को छोड़कर हम किसी दुख तकलीफ़ और दहशत में आकर, डिप्रेशन और स्ट्रेस में शिकार होकर आखिर क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? वजह क्या होती है? क्या ये जायज़ है? आत्महत्या क्यों और किन परिस्थितियों में होती है? इसकी क्या वजूद है? आज के एपिसोड में इन्हीं सब तमाम सवालों से रूबरू कराएगी आप लोगों को मेरी ये कहानी आत्महत्या। सुन रहे हैं आप लोग स्टोरी विथ अरुण पर आरजे अरुण के साथ। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को मिलेगा हर एक हफ्ते दिल को छू लेने वाली कुछ दिलचस्प कहानियाँ। आज के एपिसोड में बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी आत्महत्या। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माया आंटी मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। मैं बचपन से ही उनको अपने घर पर अक्सर आते जाते देखता। बहुत ही चंचल और सूख मिजाज की थी वो। हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर था माया आंटी का घर। माया आंटी की उम्र यहीं करीब 25 से 27 साल के बीच रही होगी। उनके घर में उनके पति, सास ससुर, एक नंद और एक देवर रहते थे। माया आंटी के पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर शहर में रहते थे। उनका नाम ललन था। ललन 5-6 महीने पर एक बार आते और 20-25 दिन रहकर फिर बाहर चले जाते। उनके 3 बेटियां थी, निभा, नीरू और नैन्सी। बहुत ही प्यारी और चंचल थी वो सब। बड़ी बेटी का नाम निभा था, जो करीब 9 साल की रही होगी। फिर नीरू, वो 6 साल की, और सबसे छोटी बेटी नैन्सी अभी 3 साल की थी। ये उन जमाने की बात है जब गाँव में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। हर घर में लोगों को बेटा ही चाहिए होता था, जो कुल का नाम रोशन करे और वंश को आगे बढ़ा सके, यही सोच होती थी लोगों की और उनकी मानसिकता। हालांकि आज भी कई सारे लोगों में यही सोच और यही मानसिकता कायम है, लेकिन बदलते दौर के साथ अब धीरे धीरे परिवर्तन भी हो रहा है। माया आंटी के पति और उनके सास ससुर को भी घर का बारिश और कुल का चिराग बेटा ही चाहिए था, जिसके कारण 3 बेटियां होने के बावजूद भी उन्होंने माया आंटी का ऑपरेशन यानी कि फैमिली प्लानिंग नहीं करवाया था। माया आंटी के ससुराल वालों को अभी भी उनसे बेटे की उम्मीद थी और चाहत भी। माया आंटी अपने घर का सारा काम खुद अकेली ही संभालती थी। सास ससुर के सेवा के साथ नंद देवर के हर शौक पूरे करने और अपने पति के लिए एक
पतिव्रता और आदर्श पत्नी के साथ वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ भी साबित हुई थी। जब वो ललन के साथ शादी करके उसके घर आई थी, तब से उन्होंने ये घर और यहाँ की सारी जिम्मेवारियाँ को अच्छे से संभाल लिया था। उनके घर में दो दो गाय और भैंसी भी थी। उन्हीं के घर से दूध आता था हमारे यहाँ। मैं अक्सर माया आंटी को देखता। गेहूं गोरे रंग का रूप, लंबे कले काले और घने बाल, क्यूस आँखें और चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास की चमक होती थी जो उनकी सादगी को और भी ज़्यादा निखार देता था। वो मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त और सहेली बन गई थी। दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी माँ और वो दोनों साथ में ही मॉर्निंग और इवनिंग को सैर में जाती। मॉर्निंग वॉक भी साथ में ही जाती थी। जब भी हमारे यहाँ कोई अच्छी पकवान या स्पेशल कुछ बनता तो माँ उनके घर जरूर भिजवाती। वैसे ही उनके घर से भी कुछ स्पेशल पकवान अक्सर हमारे यहाँ आता रहता था। जब कोई फेस्टिवल या त्यौहार होता तो दोनों फैमिली के बीच लेन देन या कुछ आपसी पकवान भेजा जाता था। जब से इस घटना की पृष्ठभूमि शुरू हुई तब मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी। तब सही गलत, न्याय अन्याय और चीज़ों को परखने की क्षमता नहीं थी मुझ में। इस कहानी को मैं अपने बाल मन में उभरे उस बरसों पुरानी याद को कहानी के रूप में आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ, जिसकी धुंधली सी स्मृति आज भी मेरे मानस पट में ज्यों की त्यों है। जब इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उस टाइम मेरी उम्र काफ़ी छोटा था। इस कहानी की हर एक घटना मेरी आंखों के सामने घटा। इस कहानी की हर पात्र और इसके कैरेक्टर को मैं अपने आंखों के सामने अपने आसपास महसूस किया हूँ। मैं माया आंटी को देखकर अक्सर ये सोचता कि आखिर कोई भी इंसान हर एंगल से इतना परफेक्ट या सर्वगुण संपन्न भला कैसे हो सकता है, जहाँ शिकायत की कोई भी गुंजाइश ही ना हो। उनकी व्यक्तित्व में एक अलग ही रोशनी थी जो उन्हें और सारे भीड़ से एक अलग रूप देता। मैंने कभी भी उनके चेहरे पर उदासी, परेशानी या गम की कोई लकीरें कभी नहीं देखी। हमेशा हंसते मुस्कुराते चंचल और सदाबहार जिंदगी थी उनकी। जब वो हमारे घर आती और माँ से बातें करती तो उनके चेहरे से एक आत्मविश्वास और सहनशीलता की प्रतीक सी महसूस होता। कभी भी किसी से भी उनका झगड़ा करते या ऊंचे आवाज़ में बात करते नहीं देखा था मैंने। हर किसी के मदद करती और अपनी खुशी से ज़्यादा अक्सर वो अपनों की खुशियों का ख्याल रखती। हमेशा खुशनुमा, चंचल और बेपरवाह से जीती जिंदगी को वो। उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उनके ज़िंदगी में भी कोई गम, उदासी या उलझन होगी शायद। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है। हर मुस्कुराहटे चेहरे के पीछे एक दर्द भरा नासूर जख्म छुपा हुआ होता है। अक्सर हम सामने की चीज़ देखकर ये समझ लेते हैं कि जैसे दिख रहा है वो वैसा ही होगा। लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल में कई सारे दुख, दर्द और हजारों जख्मों को छुपाकर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ इस जीवन को जैसे झेल रहे होते हैं। जिंदगी जीना तो एक बहाना होता है, जैसे जिंदगी को झेल रहे होते हैं। लेकिन आखिर कब तक भला ऐसे दर्द, तड़प और बेरुखी की झूठी जिंदगी को कोई कब तक झेल पाएगा? झूठी मुस्कान के साथ जिंदगी जीना इतना आसान तो नहीं होता। एक ना एक दिन तो सबके सब्र का इम्तिहान होता ही था। और जब जीवन में सब्र का बंध टूट जाए, सारी उम्मीदों का दामन टूट जाए और पूरी जिंदगी में खालीपन और उदासी का सिवा और कुछ ना बचे, तो फिर वही घटना अपने अंजाम तक पहुंचती है। जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन नियति को भला कौन रोक सकता था। होने वाला अनहोनी तो आखिर होकर ही रहता है। एक सैटरडे को हॉलीडे होने के कारण स्कूल में छुट्टी थी। मैं घर पर ही था और टीवी में नेशनल चैनल पर अपना पसंदीदा कार्टून शो द जंगल बुक देख रहा था। तभी अचानक मेरी माँ मेरे कमरे में जल्दी से हड़बड़ाते हुए आई और हाँफते हुए बोली, बेटा मैंने सुना है कि माया ने खुदकुशी कर ली है, जरा तुम जल्दी जाओ उनके घर और देखो, देखकर आओ तो क्या। बेटा ये सच में माया आंटी ने खुदकुशी की है? माँ की आवाज़ें थर्रा रही थी और उनके चेहरे से डर, खौफ और दर्द साफ झलक रहा था।
ये बात सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उठ गए। मैं तुरंत वहाँ से दौड़ता हुआ माया आंटी के घर की ओर भागा। देखते ही देखते पूरे गांव में जंगल में लगी आग की तरह ये बात फैल गई कि माया आंटी ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन आखिर क्यों? सबके जुबान पर बस यही एक सवाल था। वैसे समझदार, चंचल, मस्त मौला और सदाबहार हंसमुख औरत भला आखिर आत्महत्या कैसे और क्यों कर सकती है? हर किसी के जहन में बस यही सवाल उमड़ रहा था। जब मैं माया आंटी के घर पहुंचा तो वहां पे पहले से ही काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घर के अंदर से लेकर बाहर तक पूरा गांव ही जैसे उमड़ आया हो उनके घर पर। मैंने वहां गांव की ही औरतों को एक आपस में बातें करते हुए सुना। एक ने कहा, बेचारी कितनी भली और सुशील इंसान थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसके साथ की जहर खाकर अपनी जान ही गंवा दी बेचारी। माया आंटी के घर पर लगे उस भीड़ के बीचों बीच से मैंने जैसे तैसे घर के मेन गेट तक पहुंचा, जहां से मैंने हल्के से देखा कि कोई औरत जमीन पर बड़े ही छत बिछत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी मुंह से ढेर सारा फीज आ रही थी और वहां का स्मेल भी बहुत गंदा सा था, जैसे कि किसी जहरीली पॉइजन की बू हो। मैंने जैसे तैसे उसी भीड़ से होते हुए घर के कुछ और भीतर तक गया तो जो देखा उसने मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिया। शायद उस छोटी सी उम्र में मैंने पहली बार इतने करीब से किसी लाश को देखा था, वो भी इतनी बुरी हालत में। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हमारी सबसे प्यारी और हम सब की फेवरेट माया आंटी की ही थी। खेत में छिटने वाले कीटनाशक दवा पॉइजन मेटासिन जहर खाकर माया आंटी ने अपनी जान दे दी थी। पूरे बदन में मिट्टी लगा हुआ था, शरीर में लगी साड़ी भी छत बिछत हाल में थी, मुंह से सफ़ेद झाग और गाउज आ रहा था, आंखें खुली थी और उनमें जैसे पानी भरा हो। कितनी तड़पी हुई दर्द के साथ उनके प्राण गए होंगे ये कहने की ज़रूरत न थी। उनकी लाश की छत बिछत अवस्था देखकर ही ये साफ जाहिर हो रहा था कि मरने से पहले कितने दर्द और कष्ट सही होंगी वो। उनकी मृत शरीर को का वो हालत देखकर ये साफ झलक रहा था कि मरते वक्त माया आंटी को कितना दर्द और पीड़ा महसूस हुआ होगा, वो कितना तड़पी होगी, कितने बेबस और लाचारी में उनके प्राण गए होंगे। एक इतनी संवेदनशील, चंचल और आत्मविश्वास से भरे इंसान आखिर क्यों आत्महत्या कर लेगा? आखिर कौन सी ऐसी वजह होगी जिसने माया आंटी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था? वहाँ जमा सारे लोगों के बस यही एक सवाल उमड़ रहा था उनके बीच। घर में चारों ओर रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ चीख पुकार मची हुई थी। माया आंटी के तीनों छोटी छोटी बेटियां का तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे आंखों के सामने इतने बुरे हाल में माया आंटी का पार्थिव निर्जीव शरीर पड़ा था। एक पल के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि माया आंटी के सच में आत्महत्या कर ली है। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल यही थी कि अब माया आंटी हमारे बीच नहीं रही, उन्होंने खुद अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठी थी, जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन आखिर क्यों क्यों की माया आंटी ने सुसाइड? क्या दुख था उन्हें, क्या प्रॉब्लम थी उनके कि वो किसी के साथ कह ना पाई और अंदर ही अंदर दर्द घुटन और तड़प में सीधे सुसाइड ही कर लिया? आखिर क्या थी वो वजह जो एक इतने संवेदनशील और चंचल औरत को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दी? क्या घुटन थी उन्हें? सवाल कई सारे थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे, शायद किसी के भी पास नहीं। स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी आत्महत्या, आरजे अरुण के साथ। सुसाइड करने वाले को लोग बुजदिली का नाम देते हैं। ये कहीं ना कहीं मरने वाले की बीमार मानसिकता या निगेटिविटी साइकोलॉजी को दर्शाता है। मरने वाले तो आसानी से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं
और पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारे सवाल जिनके जवाब सारी उम्र उनके फैमिली और रिलेटिव को देना पड़ता है, और साथ ही साथ कई सारे यादें और बेनाम से रिश्ते जो हर पल उन्हें उनकी मौजूदगी और उनके अस्तित्व का बस याद दिलाती रहती है। माया आंटी के सुसाइड से पूरे गांव में एक सनसनी सी मची हुई थी। जो भी सुनता आश्चर्य हो जाता, आखिर उतनी खुशमिजाज और हंसमुख इंसान भला कैसे इतना बड़ा खौफनाक फैसला ले सकता है। लेकिन वजह चाहे जो कुछ भी रहा हो, सच्चाई तो यही थी कि माया आंटी अब इस दुनिया से जा चुकी थी, अब वो हमारे बीच नहीं थी। उन्होंने पॉइजन खाकर आत्महत्या कर लिया था। मेरे बचपन के जिस पड़ाव में मैंने इस असामान्य घटना को अपने आँखों के सामने घटते हुए देखा, उससे मैं भी पूरी तरह से कांप गया था। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उनके घर के आंगन में माया आंटी की लाश पड़ी थी और उनके तीनों छोटे छोटे मासूम बेटियां कितनी उदासी और व्याकुल होकर फूट फूट कर रो रही थी अपने मृत माँ के लाश के सामने। उन छोटे छोटे निर्दोष बच्चों के लिए अपनी माँ से बढ़कर था ही कौन उस घर में बेचारी। उन बच्चियों को आंसू से तो शायद पत्थर भी पिघल जाए। एक आंगन में एक माँ के छित बिछित लाश के सामने उनके छोटे छोटे अबोध और निर्दोष बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे अपने माँ के लाश से लिपट कर। इससे भरा करुणामयी और हृदय विदारक दृश्य भला और क्या हो सकता था। सारा दिन रोआ रुहाट के साथ घर में चीख पुकार और अफरा तफरी मची रही। फिर गांव के ही मुखिया और पंचों की मदद से जल्दी जल्दी उस लाश को शमशान घाट ले जाकर जैसे तैसे उसे जलाया गया। माया आंटी के घर वालों को ये डर था कि कहीं पुलिस को मालूम न चल जाए और पुलिस केस न बन जाए। इस डर से माया आंटी के घर वालों ने उनकी चिता पर ढेर सारी चीनी डालकर जल्दी जल्दी में उस लाश को जला दिया गया। ये भगवान की बनाई दुनिया का भी कैसा रीत है। जीते जी जिस इंसान की लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, माया ममता प्रेम और स्नेह लुटाते हैं, जो जीते जी खूबसूरती और सादगी की मिसाल मानी जाती रही हो, जिसके चेहरे पर हमेशा ही खुशी और आत्मविश्वास की लालिमा खिलती रहती हो, उसी इंसान के मरने के बाद उसकी चिता जल्दी से जल जाए, इसके लिए लोग उसके चिता के आग में ढेर सारा घी चीनी और तेल डाल देते हैं। वाह रे विधाता, तेरा भी एक कैसा अजीब लीला है। लेकिन कहते हैं ना कि हर गांव में सब आदमी सब लोगों का हित ही नहीं होते, कोई शत्रु और कोई विरोधी भी होते हैं। कोई ना कोई किसी का ना किसी का दुश्मन निकल ही जाता है हर गांव में। माया आंटी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इधर जब सारे लोग माया आंटी की चिता जलाने में लगे थे, तभी उधर गाँव के ही कुछ लोगों ने पुलिस में जाकर इस घटना की खबर दे डाली। आनन फानन में तुरंत पुलिस की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक लाश जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने माया आंटी के सारे घर वालों से इस वारदात के बारे में लंबी पूछताछ की और पूरे घर की तलाशी भी ली गई। माया आंटी के पूरे घर की तलाशी में कुछ खास सबूत नहीं मिला। अभी भी पुलिस लगाए पूरे गांव वालों के लिए ये बात एक रहस्य ही बनी हुई थी कि आखिरकार इतनी खुशमिजाज और मस्त मौला रहने वाली माया आंटी ने आत्महत्या क्यों किया। पुलिस के तलाश में माया आंटी के कमरे से जो एक सबूत मिला, उसने पूरे इस सुसाइड मिस्ट्री को खोल कर रख दिया था। माया आंटी के अलमारी से एक सुसाइड नोट मिली थी जिसे शायद माया आंटी ने खुदकुशी करने से एक दिन पहले लिख कर रखा था। उस सुसाइड नोट ने सारे लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा था उस सुसाइड नोट। माया आंटी के अलमारी से एक सुसाइड नोट मिला था पुलिस को, जिसे शायद माया आंटी ने ही लिखी थी। और वो सिर्फ सुसाइड नोट ही नहीं था, उस सुसाइड नोट के सफ़ेद पन्नों पे काले स्याह से लिखा गया वो एक एक शब्दों में माया आंटी के दर्द, तड़प, घुटन और उनकी बेबसी के शब्द थे। उनकी कराह और उनका साफ दर्द था उन पन्नों में।
माया आंटी के जिंदगी का वो सच था उसमें, जिससे आज तक हम सब अनजान थे। वो सुसाइड नोट अपने आप में एक अजूबा था। वैसा सुसाइड नोट पूरे इतिहास में आज तक नहीं लिखा गया होगा और ना ही शायद आगे वैसा लिखा जाएगा। उस सुसाइड नोट के एक एक अक्षर और शब्द में माया आंटी का दिल का दर्द, जख्म, आंसू, नफरत और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सच में बहुत ही अजीब थी उस सुसाइड नोट। उस सुसाइड नोट में लिखा था, मैं माया अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, अपने पति और तीनों बेटियों से जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं मरना नहीं बल्कि जीना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी इस जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके मौत को गले लगा रही हूँ। जी हाँ, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। बड़े ही दर्द, तड़प, आंसुओं के साथ मैं, मन की पीड़ा और आत्मा के दुखी चित्कार के साथ मैं ये कदम उठा रही हूँ। और मेरे इस सुसाइड करने के पीछे मेरे सास ससुर और मेरे पति की हाथ है। जी हाँ, मैं अपने सास ससुर और पति को अपने मौत का जिम्मेवार बताती हूँ। मुझे मरने से इन्हीं तीन लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है, जो मुझे आज इस ज़िंदगी को ख़त्म करने पर मजबूर कर रही है। मैं पल पल घुट घुट के मर रही हूँ। अब दिखावे की ये झूठी ज़िंदगी और दर्द भरे चेहरे के पीछे का ये झूठा खिलखिलाता और हंसता हुआ चेहरा अब और जिया नहीं जाता। आखिर कब तक इस झूठ की भरी जिंदगी जीऊँ? अब दिखावे की ये झूठी ज़िंदगी और दर्द भरे चेहरे के पीछे की झूठी हंसी अब और नहीं बर्दाश्त की जाती। मेरे पति और मेरे सास ससुर को मुझसे बेटा चाहिए। पहली बार जब मुझे बेटी हुई तभी से घर में मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और मुझे अपमानित किया जाने लगा। जब दूसरी बार मैंने फिर माँ बनी और मुझे बेटी ही हुई तो घर में मेरे साथ एक गैर की तरह बिहेवियर की जाने लगी। ना भरपेट खाना, ना ढंग के कपड़े, यहाँ तक कि मेरी बेटियों से भी बेगानों की तरह व्यवहार और बर्ताव किए जाने लगे घर में। उसके बाद इन लोगों ने दो बार ज़बरदस्ती मेरा एबॉर्शन, गर्भपतन भी करवा दिया, क्योंकि मेरे पेट में फिर से बेटी ही थी। और अब जब तीसरी बार भी मुझे बेटी ही हुई तब से ये लोग जानवर की तरह बर्ताव करने लगे हैं मेरे साथ। मेरे बच्चों को भर पेट खाने और अच्छे कपड़े के लिए भी इन लोगों ने मोहताज बना दिया है। घर के सारे काम कर करके भी जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो सास खाना सामने से छीन लेती है, और कुछ भी कहूँ तो सास ससुर दोनों ही मिलकर जानवरों की तरह पिटाई करते हैं। मेरे बच्चों की आंखों के सामने ये लोग दरिंदगी की सारी हदें पार करके मुझे मारते हैं, पीटते हैं और गालियाँ देते हैं। दिन रात गाली गलौज, मार पीट और बस दर्द और जख्म में लिपटी सी बाकी रह गई है मेरी ये ज़िंदगी। जब पति से ये सारे बात कहती हूँ तो उल्टे मुझे ही गालियाँ देता है। अब तो उसने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि ये तीनों बेटियाँ उसकी है ही नहीं, मैं कुलटा हूँ, कुलक्षणी हूँ, मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज संबंध है। अब वो कहता है कि उसी की शहर की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है उसका, अब वो उसी से शादी भी करेगा और उसी से बेटा पैदा करके इस घर का वंश आगे बढ़ाएगा। मेरा पति और सास ससुर ने मुझे यहाँ तक बोल दिया है कि अब मैं अपने तीनों बेटियों को लेकर या तो आत्महत्या कर लूँ या तो फिर इस घर से कहीं दूर चली जाऊँ उन सबको छोड़कर, ताकि ये लोग अपने बेटे की दूसरी शादी कर सके। अभी हाल ही में इन लोगों ने एक बार फिर मेरे पेट के बच्चे का वीडियो एक्सरे कर जब बेटी ठहरी तो उसे भी मार गिराया। आज कई दिनों से ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले हिस्सों से खून गिर रहा है। ना ही कोई डॉक्टर को बुला देता है, ना ही कोई मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा है। मन के पीड़ा के साथ साथ अब मैं तन के इस असहनीय पीड़ा से भी गुजर रही हूँ। अब ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं अपना ये जीवन अब समाप्त कर रही हूँ। लेकिन मरने से पहले एक ज़रूरी बात, मैं पुलिस प्रशासन और कानून से ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे मौत के बाद मेरे तीनों बच्चों को उनका पूरा हक और अधिकार कानूनी तौर पर मिले
और मेरे पति और सास ससुर को पुलिस के ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरी मौत का कोई भी आरोप इन पर नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन पर उस पर कहे गए मैं अपना सारा आरोप और शब्द वापस लेती हूँ। मैं अपने पति और सास ससुर पर लगाए गए सारे आरोप कानूनी तौर से मैं वापस लेती हूँ। मेरे किसी भी परिवार वालों और मेरे पति को मेरे सुसाइड के कारण कोई भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऊपर का मैं अपना सारा आरोप और शब्द कानूनी रूप से वापस ले रही हूँ। और लास्ट में मैं अपने सास ससुर और पति से ये कहना चाहूँगी, ये शब्द उनके लिए, आप लोगों ने जो भी पाप और अपराध मेरे साथ किया है उसका सजा आप लोगों को कोई कानून नहीं बल्कि मैं खुद दूंगी। आप सभी के गुनाह के लिए मैं ऐसी सजा दूंगी कि आप सभी के रूह कांप उठेगी। जिस वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे के चाह में आप लोगों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती, नाइंसाफी, अत्याचार किए, मुझ पर इतने जुल्मों सितम ढाए, मेरे बेटियों को इतना तिरस्कार किया, उनसे इतना मारा पीटा, अब इस घर में कभी कोई भी बेटा जन्म नहीं लेगा। आज से ये वंश कुल खलदान श्रापित होगा। इस घर में आज से कोई बेटा पैदा नहीं होगा, कोई वंश का चिराग पैदा नहीं होगा। बेटियों को तिरस्कार करने वाले आज से तुम सब इस खानदान के वंश के लिए तरस जाओगे। कोई भी बेटा अब इस घर और कुल खलदान में नहीं जन्म लेगा और ना ही जिंदा बचेगा। ये मेरा श्राप है, श्राप है ये मेरा। ये एक तड़पती हुई उस माँ के श्राप है जिसे उसके अबोध बच्चों से अलग होने पर तुम लोगों ने मजबूर किया है। एक दर्द और तड़प से मरती हुई इस माँ की श्राप से तुम्हारा ये कुल खलदान और घर हमेशा श्रापित रहेगा। आज के बाद इस घर में कभी कोई वंश जन्म नहीं लेगा, कभी कोई बेटा पैदा नहीं होगा और जो भी होगा वो मारा जाएगा। और स्वयं भगवान भी अब मेरे इस श्राप से तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा। एक दर्द में लिपटी, तड़पती, बेवश और लाचार मरती हुई माँ का एक श्राप है ये। आज से तुम्हारा ये खानदान मेरे श्राप से हमेशा हमेशा के लिए श्रापित रहेगा, सिर्फ और सिर्फ श्रापित रहेगा, माया। और इस चिट्ठी के लास्ट में नीचा लिखा था माया। स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी आत्महत्या, आरजे अरुण के साथ। अक्सर आपको किसी भी तरह से यातनाएं दिए जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह से यातनाएं दिए जा रहे हो, आप पर किसी भी तरह से जुल्म, अन्याय और अत्याचार हो रहा हो या फिर टॉर्चर किया जा रहा हो किसी न किसी रूप में आपको, फिर आपके साथ कुछ भी गलत हो या आपके साथ कोई भी नाजायज हो रहा हो, तो आप उसका प्रतिकार कीजिए, उसका विरोध कीजिए, परिस्थितियों और चुनौतियों का डट कर सामना कीजिए। डिप्रेशन और स्ट्रेस में आकर सुसाइड या खुदकुशी करना सारे समस्याओं का हल नहीं होता। माया आंटी ने सुसाइड किया था, लेकिन मरने से पहले उनका लिखा गया वो सुसाइड नोट जब पुलिस के हाथ लगी तो उस नोट ने सबकी आंखें खोल दी। उनकी सुसाइड के पीछे की मिस्ट्री अब सबके सामने आ चुकी थी। माया आंटी के 3 बेटियाँ थी, पर उनके पति, सास ससुर और घर वालों को बेटा ही चाहिए था। इसलिए उन लोगों ने माया आंटी को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। बाद में उनके पति के किसी दूसरे औरत के साथ अनैतिक संबंध और उसी से शादी करने की धमकी ने माया आंटी को अंदर से और भी ज़्यादा तोड़ दिया। और इसी मानसिकता में वो सीवियर डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाकर उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये साफ साफ लिखा था कि उनके फैमिली वालों पर कानूनी का कोई भी कार्रवाई नहीं करे। कानूनी रूप से उन्होंने अपना सारा इल्ज़ाम वापस ले लिया था। उन्हें सज़ा खुद माया आंटी ही देगी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि माया आंटी तो मर चुकी थी ना, फिर वो अपने दोषियों को सज़ा कैसे देंगी।
उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा है, उनके घर वालों को सजा पुलिस और कानून नहीं बल्कि स्वयं वो ही देंगी। ये सब बड़ा ही अजीब था और चौंकाने वाला भी, लेकिन इसके बाद आगे जो कुछ भी हुआ उस पर विश्वास कर पाना हर किसी के लिए इतना आसान ना था। माया आंटी के दर्द भरी चीख और श्राप से उनका घर अब श्रापित हो चुका था और अब इस श्राप का अंजाम देखना बाकी था। माया आंटी के उस दर्द भरी चीख और खौफ का सायों में अब श्राप का असर आना बाकी था। माया आंटी के उस सुसाइड नोट के आधार पे उनके घर वालों को लंबी बहस और माथापच्ची के बाद कुछ कानूनी दाव पेच के तहत उन्हें छुड़ा दिया गया था, लेकिन माया आंटी की ये मौत और आने वाला आगे का समय पूरे गांव वालों के लिए अब एक सबक बनने वाला था। इस घटना ने पूरे एरिया में हड़कंप मचा दिया हो जैसे। माया आंटी ने अपने सुसाइड नोट में पहले तो अपने मरने के कारण अपने घर वालों को बता दिया था, बाद में उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था। उसी चिट्ठी के माध्यम से मरने के बाद भी माया आंटी चाहती थी कि उनके घर वालों को सजा कानून नहीं वो खुद देंगी, और सजा भी ऐसी कि ये पूरे गांव वालों के लिए एक सबक बने, इस गांव वालों में एक सीख मिले ताकि आज के बाद फिर कोई बेटे के चाह में बेटियों की अपहेलना ना करे, बेटियों को गर्भ में ही मारने की कोई पाप ना कर सके, ताकि फिर एक माँ को अपने पेट में पल रहे अबोध बच्ची का दर्द से भरे नामंजूरी के साथ एबोर्शन ना कराना पड़े और एक माँ को अपने तीन बच्ची को छोड़कर फिर कभी आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम ना उठाना पड़े। इसी के लिए एक बहुत बड़ा सीख देना चाहती थी माया आंटी। माया आंटी मर चुकी थी लेकिन उनका श्राप उस घर पर हावी था। इसके बाद आगे का जो कुछ भी घटना क्रम शुरू हुआ उसने पूरे गांव वालों के साथ माया आंटी के फैमिली वालों को भी हैरत में डाल दिया था। इस घटनाओं पे यकीन कर पाना हर किसी के लिए इतना आसान ना था, लेकिन ये जो कुछ भी था वो वाकई में हुआ था। माया आंटी के मरा हुआ अभी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली, जैसे कि उसने पहले बताया था। अब उसका पूरा फैमिली खुश था कि अब इस घर का वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। माया आंटी के पति सुरेश ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन उसकी दूसरी बीवी जब पहली बार माँ बनी तो उसके पेट में भी एक लड़की ही थी। सुरेश ने तुरंत उसका भी एबोर्शन करा दिया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी बीवी फिर से माँ बनी, सुरेश ने फिर उसका गर्भ जांच करवाया। इस बार सुरेश की दूसरी बीवी के गर्भ में एक लड़का था। सुरेश अब काफ़ी खुश था और उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे, उन लोगों की बरसों की सपना अब पूरा होने वाला था। लेकिन यहाँ कोई और भी था जो किसी को नज़र न आते हुए भी उसकी वजूद थी उस घर में, वो सबको देख रहा था, और वो थी माया आंटी को खौफनाक और भयानक श्राप। जी हाँ, माया आंटी का श्राप आज भी जिंदा था उस घर में, लेकिन शायद उनके घर वाले ये बात भूल चुके थे। और इसके परिणाम स्वरूप हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुरेश के पत्नी के गर्भ में एक बेटा पल रहा था, मगर अफसोस कि जब उसने 9 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया तो एक मरा हुआ लड़का पैदा हुआ, यानी कि उसका बेटा पेट में ही मर चुका था। ये घटना सारे फैमिली वालों के लिए एक सदमे से कम ना था। माया आंटी के मरने के बाद इस फैमिली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, सबके सब काफ़ी खुश थे कि भले मर गई और एक बला टली। माया आंटी के परिवार वालों का ये सोचना था कि जो औरत अपने वंश और कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा नहीं पैदा कर सकती उसे धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं होता, वो तो बस उस घर के लिए बोझ होती है। और इसी कारण से उन लोगों ने माया आंटी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था और उनका तिरस्कार किया था। लेकिन अब उसी माया आंटी के श्राप इस परिवार पर बिजली बनकर टूट रही थी। माया आंटी तो मर चुकी थी लेकिन उनकी भटकती हुई और तड़पती रूह इस घर पर अभी भी हावी थी, जो इस घर में कभी भी किसी बेटे का जन्म नहीं होने देगी। सुरेश की बीवी फिर से तीसरी बार माँ बनी और इस बार भी उसका मरा हुआ बेटा ही पैदा होगा।
सुरेश ने कई सारे वैद्य हकीम डॉक्टर्स और साधु पंडित मलवी को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुरेश के पत्नी के कोख में अगर बेटी होती तो सुरेश खुद ही उसका एबॉर्शन करवा कर उसे मार देता। अगर लड़का होता तो माया आंटी के अभिशाप के कारण वो मरा हुआ बच्चा पैदा होता। इसी तरह से सुरेश की दूसरी बीवी का 5 बार एबॉर्शन और 4 बार मरा हुआ बच्चा यानी कि बेटा पैदा हुआ था। अब तो वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो गई थी। 9-9 बच्चे और वो भी सब के सब मारे गए। उसका शरीर अब सूख कर कांटा हो चुका था। शारीरिक और मानसिक रूप से भी सुरेश की दूसरी बीवी अब काफ़ी कमज़ोर और उदास हो चुकी थी और एक दिन उसे हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। शरीर के अंदरूनी हिस्से से गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत खून गिरा और इससे पहले कि वो लोग डॉक्टर को दिखाने, सुरेश की दूसरी बीवी भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये सारी घटना गांव वालों के लिए एक सबक थी। सब लोग इससे बड़े ही गंभीर और करीब से इस घटना को समझ रहे थे और अपने अपने दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन भी कर रहे थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सुरेश और उसके घर वालों की आँख नहीं खुली। बेटे की अंधी चाह और इस खानदान के बारिश, उन्हें बेटा ही चाहिए थी और इनकी बेशर्मी की सारी हद तो तब पार हो गई जब इसने अपने दूसरी बीवी के मरने के 1 साल बाद ही सुरेश की तीसरी शादी भी करवा दिया। आज भी हमारे देश के कई राज्यों में और हिस्सों में औरतों और पुरुषों में काफ़ी मतभेद किया जाता है, जहां पे बेटा और बेटी में फर्क महसूस किया जाता है। औरतों को बच्चा पैदा करने वाली सिर्फ एक मशीन के रूप में देखा और समझा जाता है। बेटे के चाह में एक माँ के कोख में ही न जाने कितने ही बेटियों की भ्रूण हत्याएं कर दी जाती है। बेटा पैदा ना होने पर सारा दोष बीवियों को दिया जाता है, जबकि वैज्ञानिक सच्चाई ये है कि किसी भी औरत के कोख से लड़का पैदा होगा या लड़की, उसके निर्धारण पुरुष की शुक्रकीट यानी कि स्पर्म से होता है। फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान पुरुष के स्पर्म के क्रोमोजोम ये तय करता है कि इससे बेटा पैदा होगा या बेटी। इसकी जिम्मेवार पुरुष ही होते हैं और इसका सूत्रधार भी। लेकिन अफसोस कि हमारी समाज की अशिक्षाएँ, रूढ़िवादी सोच, गलत परंपरा और अंधविश्वास के कारण आज भी गर्भ से बेटी पैदा होने पर सारा दोष औरत को ही दिया जाता है और उसे ही इसका कसूरवार भी ठहराया जाता है। सुरेश और उसके घर वालों को अब पूरा उम्मीद तीसरी बहू से थी। इन्हें अभी भी ये यकीन था कि इस घर के लिए इन्हें बेटा जरूर मिलेगा जो इनके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अफसोस, ये लोग अभी तक माया आंटी के उस अभिशाप को समझ ही नहीं पाए थे। ये बेवकूफ़ लोग ये जान ही नहीं पाए कि माया आंटी की मर कर भी उनकी श्राप आज भी हावी थी इनके कुल खलदान पर। ये समझ ही नहीं पाए थे कि पुलिस से तो ये लोग बच गए थे, लेकिन सबसे बड़ा काल तो आज भी एक अभिशाप बनकर इनके पूरे कुल खलदान में आज भी मंडरा रहा था। लेकिन इस बात से अनजान और बेखबर ये लोग फिर से सुरेश की तीसरी शादी करवा दी। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि अब एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने वाला था। स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी आत्महत्या, आरजे अरुण के साथ। सुसाइड करने से कभी भी किसी समस्या का हल या उसका निराकरण नहीं होता, इसीलिए ऐसी गलती ना करे और ना किसी को भी ऐसा करने दे, क्योंकि खुदकुशी करने वाले लोग तो अकेले ही इस दुनिया से चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारी पुरानी रिश्ते और कई अनगिनत सवाल और ढेर सारी यादें, जिनके जवाब सारी उम्र उनके फैमिली वालों को अकेले ही देने पड़ते हैं। सुसाइड करना किसी भी एंगल से और किसी भी नज़रिए से सही नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कहानी की पात्र माया आंटी ने आत्महत्या करके अच्छा किया। उनके पास और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते थे। वो चाहती तो कानून का सहारा ले सकती थी,
अपने मायके की फैमिली की मदद ले सकती थी, अपने आस पड़ोस में किसी से अपनी प्रॉब्लम पर बात करके उनका हेल्प ले सकती थी, लेकिन वो अकेली ही सारा गम, तकलीफ, दर्द और घुटन को चुपचाप सहती जा रही थी। उन्होंने अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाकर अपनी तीन बेटियों को इस दुनिया से के भीड़ में अकेला छोड़कर खुद आत्महत्या कर लिया। ये उन्होंने सही नहीं किया था, हालांकि उनके साथ भी जो कुछ भी हुआ वो भी माफ़ी के काबिल नहीं था। वो उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं और अत्याचार हुए वो माफ़ किए जाने वाले भी नहीं था, और उस गुनाह की सज़ा आज तक माया आंटी के ससुराल वाले भुगत रहे हैं। बेटे के आस में सुरेश ने तीसरी शादी की, लेकिन अफसोस उसके तीसरी बीवी से भी उसको एक भी जिंदा बेटा न मिल सका, उनके फैमिली में पुत्र का सुख नहीं मिल सका। जितने भी लड़के पैदा हुए सब के सब गर्भ में ही मारे गए। अब तो उसे भी शायद इस बात का एहसास हो चला था कि निश्चय ही माया की आत्मा श्राप बनकर इस फैमिली पर रह रही है और हमेशा हमारे किए गुनाह का ही ये फल मिल रहा है। अब धीरे धीरे सुरेश की उम्र भी जा रही थी, वो अब 40 पार कर चुका था। अब उसने सोचा कि चलो मेरा ना सही, मेरे छोटे भाभी के वंश से ही मेरा ये खानदान आगे बढ़ेगा, मेरे छोटे भाई के वंश से ही ये खानदान आगे बढ़ेगा। अब सुरेश लगाए तो उसके सारे फैमिली की नज़र और उम्मीद माया आंटी के छोटे देवर पर टिका हुआ था। उसकी उम्र भी अब 25 हो चुका था और अभी नई नई शादी हुई थी उसकी। अब सबको इंतजार था तो बस एक बेटे की, जो शायद माया आंटी के देवर से मिल सकता था। जिस वंश को आगे बढ़ाने के लिए सुरेश ने चाहते हुए भी एक बेटा न दे सका, अब वही वंश को आगे ले जाने के लिए सुरेश के छोटे भाई की शादी करा दी गई और अब सबकी उम्मीदें और नज़र उसी पर टिकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि भाग न बाँचे कोई, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो हो कर ही रहता है, उसके कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही मिटा सकता है। और वैसे भी इस फैमिली पर तो एक अभिश्राप था ना, फिर इनके जीवन में भला खुशियाँ कैसे आ सकती है। जो लोग दूसरे की ज़िंदगी की खुशियों को इतनी बेरहमी से रौंद दिए थे, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक कैसे दे सकती थी। माया आंटी की देवर की पहली संतान हुई और वो भी एक बेटी। सारे परिवार वालों को उम्मीद पर पानी फिर गया एक बार फिर से। दूसरी बार जब फिर बच्चा हुआ तो एक लड़का, लेकिन अफसोस वो भी मरा हुआ। फिर तीसरा बच्चा भी लड़का ही था, लेकिन वो भी मरा हुआ, गर्भ में ही मर चुका था वो बेटा। घर के सारे लोग परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा क्यों मरा हुआ पैदा होता है। कितने सारे बड़े बड़े शहर के डॉक्टर से भी दिखाया गया, गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। फिर डॉक्टर से भी दिखाया गया, मगर आश्चर्य, डॉक्टर की चेक जांच और सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल थे। यूएससी और बाकी के सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते थे। सबसे बड़ी आश्चर्य तो ये होती कि गर्भ के 9 महीने तक तो बच्चा ठीक होता, सब कुछ सामान्य सा होता, मगर फिर अचानक से मरा हुआ बच्चा पैदा होता, एक मरा हुआ बेटा जन्म लेता। अब सारे डॉक्टर और वैद्य हकीम भी इस अनसुलझी रहस्य को जान ना सके कि आखिर गर्भ में एक बेटी होती है तो वो जिंदा बच जाती है, लेकिन अगर वहीं गर्भ में बेटा होता है तो मरा हुआ पैदा होता है। इसी तरह से माया आंटी के देवर के भी 2 जिंदा बेटियां और 5 मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अब तो उसकी बीवी की हालत ये हो गई थी कि डॉक्टर ने कह दिया था साफ साफ, अब और प्रेगनेंसी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और इनके हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इनकी जान भी चली जाए, क्योंकि ओवर ब्लीडिंग के कारण माया आंटी के देवरानी का शरीर भी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। सारा गांव वाले अब समझ चुके थे कि माया आंटी की आत्मा अभी श्राप बनकर उस फैमिली पर रह रही है और अब वो कभी भी किसी लड़की को इस घर के वंश आगे बढ़ने नहीं देगी। और अब शायद इस बात का एहसास माया आंटी के ससुराल वालों को भी हो चला था, इसलिए उन लोगों ने भी अब एक दूसरा प्लान बनाया। माया आंटी के पति ने अपनी बहन के लड़के को कानूनी रूप से गोद लिया और उसको ही अपने पूरे धन संपत्ति का वारिस बनाकर उसे अपनी उत्तराधिकारी घोषणा किया।
लेकिन फिर एक और घटना ने पूरे गांव वालों और उस फैमिली के पांव के नीचे से जमीन ही उड़ा दिया। सुरेश ने जिस अपने भगिना को गोद लिया था और उसे अपनी कुल का वंश माना था, वो लड़का भी कुछ दिनों से अचानक एक गंभीर बीमारी के चपेटे में आ गया। बहुत इलाज के बाद भी वो लड़का 7 दिन के अंदर ही मारा गया। फिर से उस फैमिली का वंश समाप्त हो गया और कुल खलदान को आगे बढ़ाने की ये रीत अधूरी रह गई। अब तो सारे लोग ये यकीन हो गया कि ये सब उस माया आंटी की आत्मा ही कर रही है, जो कभी भी इस घर में किसी बेटे को कुल का वंश नहीं बनने देगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज बरसों बाद उस फैमिली को मैं देखता हूँ। यहाँ पे माया आंटी की वो 3 बेटियाँ और उसके देवरानी के 2 बेटियाँ ही पूरा घर संभाल रही है। उनमें से भी शादी के बाद 3 अपने ससुराल चली गई और 2 यहीं इसी गांव में रह रही है। लेकिन अफसोस, इन लोगों के साथ भी वही हुआ। जो लड़की पैदा हुई वो जिंदा है और जो भी लड़का पैदा हुआ वो मरा हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी माया आंटी की आत्मा एक अभिशाप बनकर उस फैमिली को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जो शायद हमेशा और हमेशा रहेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे अरुण की कहानियाँ। आज की कहानी आत्महत्या। समाज आज बहुत बदल चुका है। बढ़ते वैज्ञानिक युग के साथ आज देश भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और अब इस बदलती युग के साथ हमें अपनी पुरानी सोच, मान्यताएं, रूढ़िवादी विचार और अंधविश्वास को भी बदलना होगा, तभी जाकर हम एक सुंदर, शांत, विशाल नव युग का निर्माण कर पाएंगे। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, ये फर्क सिर्फ हमारी गलत सोच और मान्यता की होती है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, बल्कि अगर देखा जाए तो कई मायने में लड़कों से बेटर परफॉर्मेंस लड़कियों की होती है। बस ज़रूरी है तो उन्हें सही प्लेटफॉर्म और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की, और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें हमें ही देना होगा। सो प्लीज़ स्टॉप द जेंडर पार्शलिटी एंड फीमेल एवर्सन क्राइम। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कमेंट में आप अपनी सलाह, सुझाव और इस कहानी के प्रति अपनी विचार को लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड से मैं अरुण गिरी विदा चाहूँगा, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आऊँगा एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपने से छोटे को माया, ममता और दुलार दीजिए और अपने से बड़े को आदर भाव और सत्कार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।